जी अस्सलाम वालेकुम, बात करते हैं आरी कैनोला के फीचर्स की, इसके प्रोडक्शन प्लान की और इसकी खसूसियात की। सबसे पहली बात यह है कि आरी कैनोला हमें क्यों लगाना चाहिए। आरी कैनोला उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अगेती राया की किस्म लगाना चाहते हैं। ये भी एक राया है लेकिन इसके फीचर्स ऐसे हैं कि इसको कैनोला का नाम दिया गया है। अब कैनोला इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव कंटेंट जो उनसे हैं वो बहुत कम है और इसमें जो ऑयल बनाना एमसन 100 किलो में से तकरीबन 40-42 किलो ऑयल निकल आता है इस वैरायटी से। तो 2 किलो का ये पैक साइड 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। अब इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि ये एक तो ये शैटरिंग नहीं करता, दूसरा इसका कद छोटा होता है, कद छोटा होने की वजह से ये गिरता नहीं है, और तीसरा कद छोटा होने की वजह से इसकी इंटरक्रॉपिंग आप बेहतरीन किस्म की कर सकते हैं। मसलन अगर आपने कमाद में ये लगाना है तो ये कमाद को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, ये इसके सबसे ज्यादा फायदे हैं। उसके बाद ये 4 माह में पक के तैयार हो जाता है। अब 15 सितंबर के बाद ये आप काज कर सकते हैं पूरे पंजाब में तकरीबन, और 4 माह में तैयार होने का मतलब ये है कि आपको टाइम मिल जाएगा कि आप मकई लगाएं या कपास लगाएं या सब्जियां लगाएं, उसके लिए बेहतरीन है। अब इसकी जो तना होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेम है, लेस चांसेस ऑफ लॉजिंग है, गिरता नहीं है, मीडियम साइज पॉड है विद बोल्ड सीड इसके अंदर होते हैं, मोर प्रोडक्शन हाई यील्ड पोटेंशियल। अब इसकी यील्ड की अगर हम बात करें तो ये कम से कम 22 से 25 मंथ तक इसकी एवरेज आनी चाहिए ताकि एक जिस बंदे ने लगाया होता है फार्मर ने इसको फायदा होता है। इसकी अगर पोटेंशियल यील्ड की हम बात करें तो वो तकरीबन 30 मंथ से लेके 32 मंथ तक इसकी पोटेंशियल यील्ड है, लेकिन 22 से 25 मंथ तक ये नॉर्मली आम हालात में ये आ जाता है। गर्मी बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत है, इसीलिए ये हम 15 सितंबर से ही लगाना शुरू कर सकते हैं। अब ये दोनों तरीकों से काज किया जा सकता है, अगर आप इसका छठा करना चाहें तो छठा भी कर सकते हैं, ड्रिल करना चाहें तो ये ड्रिल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको ड्रिल करना है तो फिर प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपने 7 इंच रखना है और रो टू रो का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट रखना है। छठे के लिए भी रिकमेंडेड है क्योंकि छठे के लिए ये बेहतरीन वैरायटी है। अब ये प्रोडक्ट जो सा है एक इंतहाई अच्छा प्रोडक्ट है, kisanghar.pk पे अवेलेबल हो गया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी है। ट्रूथफुल लेबल की अगर हम इसकी बात करें तो वैरायटी है आरी कैनोला और जर्मिनेशन 80%, प्योर सीड 98%, इनर्ट मैटर मतलब किसी और चीज़ के चांसेस 2% है इसमें, और बिल्कुल फ्रेश सीड है। तो ये इसकी खसूसियात है। जिन लोगों ने गेती किस्म लगानी है वो आरी कैनोला को लगा सकते हैं और अपनी जल्दी ये पक के तैयार हो जाता है। तो इसको खाद की अगर हम बात करें तो जब आप ये लगाएंगे, एक तो इसका सीड होता है बारीक किस्म का ना, 2 किलो का ये पैक साइज है, 1.5 किलो भी आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं क्योंकि इसका सीड बाकी कैनोला से थोड़ा बारीक है, 1.5 किलो भी आप लगा सकते हैं 1 एकड़ में। उसके बाद अगर इसके फर्टिलाइजर की हम बात करें तो फर्टिलाइजर में जब आपने इसको काश करना है तो सिर्फ एक चीता सल्फर या 40NS दोनों में से किसी एक का छटा करके इसको काश करें। जब इसकी जर्मिनेशन हो जाती है उस टाइम फिर आप इसको खाद लगाएं, DAP नाइट्रोफा या अल्ट्रासोल की खाद P44 लगा दें, जो सी आपको बेस्ट लगती है फर्टिलाइजर जमीन के हिसाब से वो आप लगा सकते हैं। तो सल्फर हमने क्योंकि इसको पहले डाल दिया होता है, जितनी भी ऑयल क्रॉप्स होती हैं उनको सल्फर की ये ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सल्फर मदद करता है ज़्यादा ऑयल पैदा करने, ऑयल कंटेंट पैदा करने के लिए। तो ये इसका छोटा सा, बाकी मजीद अगर आपको इसके बारे में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप किसान घर के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 0309-98-78-757 पर रबता करके मजीद हेल्प ले सकते हैं, और किसान घर की ऐप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर आप ऑर्डर करके फ्री डिलीवरी के साथ अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये पिछले साल भी लिमिटेड सा स्टॉक होता है इसका, इस साल भी लिमिटेड स्टॉक है इसका, तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। शुक्रिया।